पर एक अहम खबर लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल के दौर से जुड़ी हुई छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके को लेकर अटकलें तेज है। विक्रम आहाके की बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में शामिल हो सकते हैं विक्रम आहाके बीजेपी में। जो अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के नेताओं का जो दौर जारी है लगातार एक के बाद एक और अच्छी खासी बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं बीजेपी में। कहीं ना कहीं असंतोष का माहौल भी कांग्रेस में है और ज़्यादातर जो शामिल होने वाले हैं सबका कहना है कि पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, पार्टी में जो नीतियाँ हैं उनसे वो आहत हैं। इन तमाम तरीके की बातों को लेकर जो पलायन करने वाले नेता हैं उनका कहना है कि बीजेपी में ज़्यादा ऑप्शन उनके लिए हैं। तो ऐसे में आज सीएम एक और फिर से एक बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जिस तरीके से जारी है छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। अमृतांशी जोशी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। जी अमृतांशी, देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से बीजेपी अपना एक अभियान चला रही है और अभियान के जरिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं जिस अभियान में बीजेपी जुटी हुई है उसमें पिछले दिनों छिंदवाड़ा से एक समर्थित विधायक कमलनाथ की वो शामिल हुए थे बीजेपी में आकर। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब आज अटकलें लगाई जा रही हैं कि छिंदवाड़ा नगर निगम के जो महापौर हैं विक्रम आहाके, जो कि आदिवासी वर्ग से भी आते हैं, वो बीजेपी में आकर शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये एक कांग्रेस को बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस को छिंदवाड़ा में कमजोर करने में बीजेपी जुटी हुई है। पहला, दूसरा, छिंदवाड़ा क्योंकि बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती बनता जा रहा है जो कि लंबे समय से बीजेपी यहाँ पर प्रयास कर रही है लेकिन बीजेपी को सफलता हाथ नहीं लग रही है, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या अन्य चुनावों की बात करें। इसी कारण किसी ना किसी तरीके से बीजेपी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर तो कमजोर किया ही जाए लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े पद हैं, बड़े पद वाले नेता हैं, चाहे वो विधायक की बात हो, महापौर की बात हो, उनको बीजेपी में लाकर शामिल करवाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पर एक साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर तो पड़े ही लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी भी छिंदवाड़ा को फतेह कर सके। और इसी कारण हो सकता है कि जो महापौर है छिंदवाड़ा के विक्रम आहाके, वो यहाँ पर आकर बीजेपी में आज शामिल हो जाए। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में विक्रम आहाके सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा भी है तो उस दौरान भी जो है कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। हो सकता है कि उस दौरान भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कोई झटका लगे लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से छिंदवाड़ा को कैप्चर करने की कोशिश में लगी हुई है। जी जी बिल्कुल, तो बीजेपी की रणनीति पूरी तरीके से शुरू से ही जारी है छिंदवाड़ा को लेकर, जो इस बार प्लानिंग छिंदवाड़ा में बीजेपी ने बनाई है।